क्लास सेवन आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे बेटा। इंग्लिश ग्रामर में हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा, द प्रोनाउन एंड उसके काइंड्स। जो वर्ड यूज होता है नाउन की प्लेस पर या नाउन के लिए, वो वर्ड्स हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, प्रोनाउन के काइंड में फर्स्ट प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें किसी पर्सन के लिए यूज होता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो उसके प्रेडिकेट पार्ट में ही काम कर रहा हो। नेक्स्ट है इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इम्फेसाइजिंग में वो काम हमने खुद किया होता है, उस चीज़ को शो करे, वो हमारा इम्फेसाइजिंग कहलाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कह रही है हमारी जो इम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिंग जो भी यूज़ हुए हैं हमें वो बताने हैं। चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, तो क्या होगा इसका, द चीफ गेस्ट गेव हिमसेल्फ द प्राइजेस। ठीक है, इस तरह से इस एक्सरसाइज को करिएगा। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो, शो कर रहे हो, कोई भी थिंग हो, पर्सन हो, पर्सन्स हो, वहाँ पे जो नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बेटा हु, विच, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फिल करना है। डैश वॉज द विनर इन द रेस, हु वॉज द विनर इन द रेस, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। डज शी डू इन द मॉर्निंग, वॉट डज शी डू इन द मॉर्निंग। 3 में हमें जो एक्सरसाइज 3 है इसमें हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए हु whom से इनके क्वेश्चन बनाने। शी सॉ अ ज़ेब्रा इन द सर्कस, तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, वॉट डज शी सी इन द सर्कस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी जो चीज़ हमें डेफिनेट ना हो वो वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जैसे सम, मैनी, फ्यू, लिटिल। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, ईच, आइदर, बोथ, नाइदर, ये वाले वर्ड्स जब यूज़ करते हैं हम किसी भी नाउन की जगह तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बेटा जब हम वन अनदर, ईच अदर या फिर हम कोई भी रिलेशनशिप बता रहे होते हैं तब हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जैसे एक्सरसाइज 4 में हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन पूछा गया, डैश एस्केप अनहर्ट इन द एक्सीडेंट, यानी फ्यू एस्केप्ड, जो कुछ लोग थे वो बच गए और एक्सीडेंट में अनहर्ट रहे। डैश वर स्लाइटली इंजर्ड और कुछ जो है फ्यू वर। ठीक है, फ्यू भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और सम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डैश ऑफ द गर्ल हैज अ पुलओवर, ईच ऑफ द गर्ल यानी हर एक लड़की के पास पुलओवर था। डैश ऑफ द प्लेयर टुक दिस टर्न, ईच ऑफ द प्लेयर टुक हिज टर्न, हर एक जो प्लेयर था उसने अपने टर्न को लिया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दे डू नॉट लाइक ईच अदर, अ कैट एंड अ डॉग कैन नॉट लव वन अनदर। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिससे चीज़ जो है आपकी रिलेटेड हो पहली वाली चीज़ से। देखें, दिस इज द बॉय हु टीजेस हिज यंगर, आई हैव फाउंड द बुक विच आई लॉस्ट, जिसे मैंने खो दिया था। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 कह रही है हमें कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है, अ फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग हाई, तो यहाँ पर हमें विच ज्वाइन कर देंगे, विच वर हैंगिंग हाई। ही इज अ पोइट हुज पोयम आर लाइक्ड एवरीवेयर। क्लियर। एक्सरसाइज 7 हमारी कह रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डैश वॉज द विनर इन द चेस, वो विनर इन द चेस था तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के, हु वॉज द विनर इन द चेस। ईच ऑफ माई ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, जो ईच है सेंटेंसेस में वो क्या है बेटा, ईच हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। डैश वॉज नॉट बी प्राउड ऑफ वंस वेल्थ, इसमें कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा,
ऑल मस्ट नॉट बी ऑफ वंस वेल्थ। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के काम करती है, जो किसको जोड़ती है, फ्रेज को, क्लॉजेस को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस को प्रोनाउन जो पर्सन और पर्सन की बात की जा रही होती है तो वो क्या कहलाते हैं, पहला भी हो सकता है, दूसरा, थर्ड, चौथ, इसलिए ऑल ऑफ दिस। क्लियर? इसी के साथ बेटा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी एक्सरसाइजेस कीजिएगा। थैंक यू क्लास।